सो हेलो गाइस, मैं हूं रमन। आप देख रहे हैं टेक आई गुरु। आज है हमारे पास ओप्पो का रीनो 3 प्रो, जिसमें कि कलरोस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 की अपडेट आ चुकी है। आप सबको पता होगा कि रोलिंग आउट होने लगी है अपडेट्स, तो रीनो 3 प्रो में आज अपडेट आ चुकी है। जी आप देख सकते हो, एक सिंपल सी अपडेट है, एक बीटा वर्जन है। ये ट्रायल से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें कम बग्स होते हैं और कम प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके फ़ोन में कैसी अपडेट आ सकती है, तो मैं आपको F17 Pro की एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में देखेंगे, तो वहाँ पे सामने कोई भी अपडेट नहीं आएगी। बट अगर आप इसके ट्रायल वर्जन में जाके देखेंगे, तो ट्रायल वर्जन में आपको वही ट्रायल वर्जन मिल जाएगा कलरोस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 का। तो वहाँ पे कोटास होंगे, स्पोर्ट्स होंगी, तो बहुत लिमिटेड कोटास होंगे भाई। तो वहाँ जाके आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए अपने फ़ोन के साथ या ईमेल के साथ, उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिए। आपकी जो अपडेट है उसी वक्त भी आ सकती है, कुछ देर बाद भी आ सकती है, एक दो दिन बाद भी आ सकती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आज अपने रीनो 3 प्रो को अपडेट। मुझे जो स्पेशल जो बीटा वर्जन इसलिए मिला क्योंकि मैंने पहले से इसको रजिस्टर किया हुआ था। आपको बीटा नहीं मिलेगा, आपको सीधा ट्रायल वर्जन जहाँ पर मिलेगा, तो आप उसको जहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डाउनलोडिंग पर अपना जो कलर लैब नीचे लगा दिया है। जहाँ पे थोड़े से इसके फीचर की बात करें, तो भाई फीचर में जो ये एनिमेशन पहले तो काफ़ी कूल लग रहा है, और फीचर की बात करें तो भाई इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूँगा और रिव्यू वगैरह कलरोस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 का सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग कलरोस 11 या कोई भी कलरोस हो, उसकी अपडेशन के लिए सबसे पहले अगर आपको वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करो। और हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम, वहाँ पे भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहाँ पे हमने अपडेटिंग पे लगा दिया है अपने फ़ोन को, और गाइस जहाँ पे थोड़ा सा देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई इसका जो स्टार्टिंग एनिमेशन है वो कैसे रहेगा। यहाँ पे हमने जो इसको लगाया था अपडेट पे, तो इसकी अपडेट की जो प्रोसेसिंग वगैरह इंस्टॉलिंग वगैरह अभी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी ये चलने वाला है, तो अगर रीस्टार्ट होगा तो भाई जैसे एंड्रॉयड 10 का जो एक लाइट सी आती थी वैसे होगा, या कोई और तरीके से होगा। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं भाई। तो आप देख सकते हो कि भाई कलरोस जो 11 प्लस एंड्रॉयड 11 है, वो भी सेम जो कलरोस 7 प्लस एंड्रॉयड 10 की तरह ही ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथनेस अभी आई है स्क्रीन में, और अभी तक कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो जहाँ पे सेटिंग में खोल के हम देख लेते भाई कि कलरोस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 की अपडेट यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपको दिखा दूँ थोड़ा सा नज़दीक में कि यहाँ पे भाई हो चुकी है, यहाँ पे बीटा वर्जन कलरोस 11 का मेरे पास आ चुका है। और सॉफ्टवेयर अपडेट में देखेंगे तो आपको साफ साफ वहाँ पे फीचर भी दिख जाएंगे, और ऊपर वहाँ लिखा हुआ है कि कलरोस 11 की अपडेट आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीचर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी जल्द मिल जाएगी, तो अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक आई गुरु।